उन्होंने 4 क्वेश्चंस किए एंड वो सॉल्व ही नहीं होते हैं, और उसके बाद वापस 5th क्वेश्चन करने का वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? 14 क्वेश्चन बनाया, नहीं बना। 5वां बनाया, नहीं बना। 6ठा बनाया, मैं नहीं बनाया। मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं स्मार्टफोन में शिफ्ट हो जाता था। लेकिन क्या करना होता है उस सिचुएशन में? बहुत तरीके होते हैं पढ़ने का, सबका तरीका अलग होता है पढ़ने का। फाइंड योर वे टू स्टडी कि मैं ऐसे रिवाइज करूँ, नोट्स तो बेटर है, ऐसे करूँ। को लगता है आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो जो आप अगर नहीं करते तो आपका रिजल्ट और अच्छा आता? मैंने तो पर्सनली बहुत मिस्टेक्स की थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने टेस्ट के लिए सब प्रिपेयर किया है, DPP, मॉड्यूल, क्वेश्चन, नोट्स। वो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये सेम किया था, ऐसे टाइप का सेम, बस नंबर्स बदल दिए, पर अब टेस्ट में जब सॉल्व करने का टाइम आया ना, तब आंसर नहीं आ रहा। होता है कि मैं सुबह उठ के बढ़िया पढ़ लेता हूँ, किसी को होता है मैं थोड़ा रात को जाग के हो जाता है। तो हो सकता है कोई बोले कि सुबह पढ़ लो, लेकिन मुझे रात को जम रहा है। ग्राउंड से एक बॉल फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर से एक बॉल थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर के हाइट से। बताना है कि किस पोजीशन पे कोलाइड करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड एंड किस टाइम पर कोलाइड करेंगे। T=0 पे दोनों बॉल्स को थ्रो कर दिया गया। बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छा अभी तो शुरुआत ही की हो, क्या चल रहा है तुम लोग का? आप बैकलॉग में रह जाओगे। बैकलॉग अगर है तो टाइम लेकर क्लियर करो ना, कि कंधे पे बैकलॉग लेके चलना है आगे तक। 12th लेके जाना है भाई, बैकलॉग 12th में भी लेकर जाएंगे। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें ऐसा होता है कि तुमने उन 4 क्वेश्चंस किए एंड वो सॉल्व ही नहीं होते हैं, और उसके बाद वापस 5th क्वेश्चन करने का वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्योंकि 4 नहीं आ रहे, 4 क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे तो 5वां ऐसा ही लगता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए देखो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था। मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ ना, 1, 2, 3 मान लो बन गए। 14 क्वेश्चन बनाया, नहीं बना। 5वां बनाया, नहीं बना। 6ठा बनाया, मैं नहीं बनाया। मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं स्मार्टफोन में शिफ्ट हो जाता था, यूट्यूब स्क्रॉल करने लगा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखने लगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यही होता होगा। 3 क्वेश्चंस बनाने के बाद 4, 5, 6 जब नहीं बनते ना, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता था। लेकिन क्या करना होता है उस सिचुएशन में? हमें ये नहीं कि फ़ोन चलाने लगे तो फिर वहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो थोड़ा क्लोज करके थोड़ा रिलैक्स कर लो, वापस आ जाओ, और थोड़ा क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम स्पेंड करना सीखो। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना क्वेश्चन नहीं बनने के। हो सकता है तुम्हारा थ्योरी में लैकिंग हो, तो तुम एक बार नोट्स निकाल कर देखो क्या थ्योरी रिक्वायर्ड है उसमें, ठीक है? टीचर्स को अगर एट लास्ट क्वेश्चंस नहीं बन रहे, देखो पहले तो फेयर ट्राई देना चाहिए क्वेश्चन को। ये नहीं कि पहले ही हार मान गए, 1-2 मिनट ही सॉल्व किया हार मान गए, यार वैसे IIT नहीं होता, बात मानो मेरी। ट्राई देना होता है, फेयर ट्राई देना होता है। क्वेश्चंस नहीं बनने पर ही एट लास्ट मोमेंट ही आपको टीचर से जाके पूछना है, और टीचर से पूछने के बाद आपको ये निकालना होगा आउटपुट कि आपने किस, आप कहाँ लैक कर रहे हो, किस कारण से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। वो क्वेश्चन जो आपने इतना टाइम स्पेंड किया फिर भी आपसे नहीं बना, देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो रीज़न को आइडेंटिफाई करो, रिजॉल्व करने के लिए टीचर से बात करो, खुद रिजॉल्व करने की सोचो। इसी तरीके से ही IIT होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्लोज कर लो, थोड़ा टहलाओ, फिर ट्राई करो। अगर तब भी नहीं बन रहा तब जाकर आप टीचर से रेफरेंस ले, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ठीक है? गूगल इन सबसे सोल्यूशंस मत देखा करो पहली बार, मतलब फर्स्ट ट्राई दे रहे हो तो, मतलब फर्स्ट क्या, कोई भी ट्राई दे रहे हो, गूगल से सोल्यूशन मत देखा करो। तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं आ रहा है गूगल के सोल्यूशन देख के, बट ऑनेस्टली ऐसा तुम्हें नहीं आ रहा, सच कहूँ तो शायद 2-3 दिन बाद तुम ट्राई करोगे तुम भूल ही जाओगे वो सोल्यूशन। तो ये काम मत क्या करो। एंड ऐसे तुम सब 11th में हो तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इनिशियल स्टेजेस में फोकस की तुम कैसे, बहुत तरीके होते हैं पढ़ने का, सबका तरीका अलग होता है पढ़ने का। फाइंड योर वे टू स्टडी कि मैं ऐसे रिवाइज करूँ, नोट्स तो बेटर है, ऐसे करूँ, और मार्क्स पे ना फोकस करके इनिशियली कॉन्सेप्ट लर्निंग पे फोकस करो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि 11th में बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक्स आते हैं, मैकेनिक्स, थर्मो, वेव्स, तो उस पर फोकस करो। मतलब ऐसा नहीं कि डोंट स्टडी फॉर फॉर्मूलाज, मार्क्स लाने के लिए बेटर स्टडी की सीख कैसे रहे हो, क्योंकि 12th के एंड तक तो तुम्हें मार्क्स लाने ही है, बट 11th में तुम ये समझ जाओ कि कैसे पढ़ना है मुझको, जो मेरा कंफर्टेबल वे है, वो बहुत बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और मतलब जैसा इसने बोला, सब कर लिया तुमने, फिर लास्ट में टीचर को डाउट पूछ लिया, फिर क्या होता है ना कि बच्चे एक बार डाउट तो पूछ लेते हैं, उनको समझ भी आ जाता है, फिर वो वापस वो खुद सॉल्व नहीं करते, उससे क्या होता है आप वापस भूल जाओगे। आपने जितने सपोज जितने डाउट्स थे सारे पूछ लिए, तो उस क्वेश्चन को वापस बैठ के फिर से लगाना है, ताकि आपको जो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो आपको याद भी रहे। तो इससे फिर जैसे जैसे आपने ऊपर के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर धीरे धीरे अपने आप ही सवाल बनने लग जाएंगे, ऐसे सवाल में वापस अटकोगे नहीं फिर।
और एक और चीज़ है कि मतलब अगर फॉर्मूला बेस्ड डाउट था या उसकी वजह से दिक्कत थी तो नोट्स रिवाइज करके ही उसको वापस रीअटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कंसेप्चुअल चीज़ थी कि ये नई चीज़ें नहीं पता थी या नोट्स में नहीं थी तो उनके लिए एक अलग से नोटबुक बनानी चाहिए, या फिर जैसे टेस्ट में भी कोई डाउट्स होते हैं जो नहीं सॉल्व होते हैं तो उनके लिए एक अलग से नोटबुक बनानी चाहिए, या गलतियाँ जो सिली मिस्टेक जो बोलते हैं उनके लिए स्पेशल नोटबुक बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग खड़े सबको एटलीस्ट 20-25 मार्क का सिली मिस्टेक की गलती करके आते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और रैंक पीछे जाती है। तो सिली मिस्टेक हम लोग सोचते हैं कोई नया चैप्टर पढ़ लेंगे, लास्ट में एक सवाल आता है 4 नंबर, सिली मिस्टेक के 20-25 नंबर की गलतियाँ हो सकती है, तो अगर उसकी नोटबुक बनाए और हर टेस्ट के एक दिन पहले कंसेप्ट तो पहले ही पढ़ना होता है लेकिन सिली मिस्टेक को अगर रिवाइज करते रहे कि ये गलती मैंने यहाँ पे मतलब कुछ 300 की जगह 30 लिख दिया था या ऐसा कुछ भी गलती, तो उसको अगर रिपीट करते रहे तो ब्रेन में फीड हो जाएगा कि ये गलती नहीं करनी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि सबसे पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर किसी टॉपिक का अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, और कभी भी टफ क्वेश्चन में पहले जंप नहीं करना चाहिए। मेरा यही था, अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता था मैं समझ जाता था मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले मैं नोट्स पढ़ता था। जब मैं नोट्स पढ़ता था पढ़ लेता था तो मतलब बेसिक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो टफ क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने लगा, क्योंकि जो भी जे एडवांस का क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो यही है, अगर अभी तो तुम लोग का वेक्टर्स चल रहा है, बेसिक मैथ्स चल रहा है, तो अभी तुम लोग को ये नहीं मतलब अभी इससे जे एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम अभी अपना बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक मतलब क्या हो गया भाई नहीं मतलब वेक्टर्स या बेसिक मैथ्स से फिजिक्स में थोड़ी आता है, वही बोल रहे हैं कि अगर अभी ये फिजिक्स का बेसिक्स है तो आपको बेसिक्स क्लियर करना होगा, क्योंकि आगे मतलब इन सब का यूज़ आएगा इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। तो मतलब वही, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है सबसे बड़ा रीज़न होगा कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर करिए, और जो आपका जैसे DPP है, DPP में बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन रहता है, जब तक आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपसे टफ क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे जे एडवांस। एज ही सेड, आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स। सपोज लाइक यू डोंट नो अ क्वेश्चन, इवन इफ यू क्लैरिफाई दैट डाउट देयर इज स्टिल अ चांस कि आपको बाकी टॉपिक्स नहीं आते होंगे, तो यू आई से यू गो वंस थ्रू थियरी एंड गो सॉल्व ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल्स वंस अगेन, so that'll make your concept clearer and you'll be less probable to get stuck in a question. Usually जो भी टेस्ट होती है उनको reattempt करना बहुत important है, उससे हमारी सिली मिस्टेक भी इम्प्रूव हो सकती है और जो नहीं आता वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। और कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो टीचर के पास जाओ और बोलो कि हमें एक अलग से थोड़ा टाइम दे जिसमें हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएं, उससे बहुत हेल्प होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप लोग PW के मॉड्यूल करते थे अच्छे से, और रेफरेंस बुक कौन सी यूज करते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? हाँ, मैंने मॉड्यूल्स पूरा सॉल्व किया था। केमिस्ट्री में कोई रेफरेंस की यूज नहीं की मैंने, क्वेश्चंस मॉड्यूल के और क्लास के। मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, तूने DPP करी है पूरी? हाँ। क्लास इलस्ट्रेशन फिर से किए हैं क्या? क्लास में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, उनको घर पर जाके फिर से रीअटेम्प्ट करते हो? नहीं भाई, करो, DPPs पूरी करो, टाइम बच जाता है थोड़ा। सही हो यार, टाइम बचा सही है, मॉड्यूल्स करो सही है। तब तो अगर टाइम बच जाता है तो मॉड्यूल्स करो, पहले क्लास इलस्ट्रेशंस को फिर से करना है, DPPs करनी है, टाइम बचे मॉड्यूल्स और गुड कर सकते हो। तो अभी 11th में मॉड्यूल हम करें वही सफिशिएंट है हमारे लिए? पहले बात तो यार, अगर तुम्हारा टाइम बच जाता है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग तो सर से बात करो कि सर आपने जो नोट्स दिए रिवाइज कर लिए, क्लास में जो सवाल दिए होमवर्क सवाल दिए वो भी कर लिए, अब भी टाइम बच रहा है DPP की, तब भी टाइम बच रहा है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सर से बात करो, सर आप इफ पॉसिबल कोई अच्छे सवाल हो या कोई DPP या कोई टेस्ट पेपर हो मुझे आप सेंड कर दो, मैं वो सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है। नहीं तो आपके बेटर तुम सर से ही डिस्कस करो ये चीज़, क्योंकि खुद से कोई अलग से किताब करने से बेटर आस्क टू सर कि सर व्हाट शुड आई डू, वही बेटर चीज़ है। और कोई सवाल? आप बोले अभी से फाइनलाइज मत कर दो कि यही बुक मुझे पूरी करनी है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो तुम्हें टाइम मिलेगा, लेकिन 6 महीने बाद जो काम दिया गया है वो भी खत्म नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे मेन फोकस यही रहना चाहिए कि जो दिया है वो जल्दी से और अच्छे से कंप्लीट करो और उनको ही रीअटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि तब तक तुमने 6 महीने आगे कोई चैप्टर चल रहा है वो पढ़ा, तो जो एक 4 महीने पहले पढ़ा था वो भी एक चैप्टर है, तो जैसे रिवाइज करने का मैंने बोला तो वो कर रहे हो, तो अगर चैप्टर्स के बेसिक फॉर्मूलाज भी माइंड में रहेंगे ना तो उससे आगे चल के बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पढ़ते टाइम भी अगर एडवांस के सवाल भी ट्राई कर रहे हो तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इसका बेसिक मुझे आता है तो सवालों से सीख सकता हूँ।
ऐसे प्रिपरेशन के टाइम आपको लगता है आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो जो आप अगर नहीं करते तो आपका रिजल्ट और अच्छा आता है? मैंने तो पर्सनली बहुत मिस्टेक्स की थी। सबसे बड़ी तो फ़ोन यूज़ करने लग जाता था, वो तो सबके साथ ही होता होगा। अभी तो इनिशियल फेज़ है तुम्हारा, मतलब ज़्यादा तो वेक्टर्स में तो क्या ही है ना। तो अभी तो तुम्हारे, अभी जैसे बोला अभी होगा तुम्हारे पास टाइम, पर बाद में क्या होता है टाइम नहीं बचता, और फिर तब भी मतलब मैं कभी कभी बीच बीच में यूज़ करने लग जाता था। अगर मैं वो नहीं करता तो शायद रैंक बढ़िया आ जाती, और वैसे ही बहुत सारी की कभी क्रिकेट खेलने का मन कर गया। सुबह खेल के आता था, दो चार बार चलता है पर है ना, बहुत पसंद है क्रिकेट तो क्या करें, बार बार खेल लिया। तो हाँ, ऐसी जो चीज़ें होती है, मतलब माइंड फ्रेश करना एक अलग चीज़ होती है और उसी को टाइम देना एक अलग चीज़ होती है। तो जो ऐसी अदर एक्टिविटीज़ है जिसे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो वो बहुत अफेक्ट करता है रिजल्ट को। वन मिस्टेक आई डिड वाज आई डिडंट टेक केयर ऑफ माय हेल्थ प्रॉपरली। आई वाज सिक फॉर ऑलमोस्ट एन एंटायर मंथ, तो मेरे काफ़ी बैकलॉग्स बन गए। तो आई से टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट हेल्दी, अवॉइड आउटसाइड फूड, एंड आई हैड अ सिवियर विटामिन डेफिशिएंसी, सो माय हेड यूज्ड टू फील लाइक आई यूज्ड टू फील लाइट हेडेड ऑल द टाइम। तो एक पूरा महीने मैं पढ़ नहीं पाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव अचीव्ड मैसिव सक्सेस इन JEE एग्जाम। माय क्वेश्चन इज, दिस इज एन एग्जाम वेयर यू हैव टू सेट अप प्लान्स फॉर योर एकेडमिक स्टडी, एंड व्हाट आर द कंसिडरेशंस यू टेक इनटू अकाउंट व्हेन यू सेट अप योर प्लान फॉर वन मंथ गोल और अ वन वीक गोल फॉर अ टेस्ट? व्हाट विल बी द कंसिडरेशंस, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया दैट आई हैव टू गिव दिस टाइम टू सेल्फ स्टडी और दिस क्वेश्चंस आई विल हैव टू सॉल्व? What are your thoughts? For me, it was mostly based on the weaker topics. I used to give priority to the topics which I was weaker in. Like, suppose I was weak in ionic equilibrium, even if I've done it before, I'll do it again. But like solid state, I've done it probably only once. And kinematics, I just questions practice karte, and I never did theory for that. So you should figure out which chapters you're weak at and then strategize your preparation. So basically you are saying, first of all, I have to find my weaknesses. Yeah. Then I have to focus on that area. Yeah. Like, but what if there is a 1 month a test, there is a test which is due 1 month. Now what will be the my plan to set up that I will have to take this into account, or this self-study I will have to do? What will be my basic plan? Honestly, I don't know if it will apply for everyone or not. Personally, I never studied keeping in mind the tests. Like, I studied based on whatever was going in class, and the tests were in tandem with that. So basically you go along with the flow. Yeah, and whatever extra time I got, like weekends or holidays, I used to give more to my weaker topics. Okay. Like, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने टेस्ट के लिए सब प्रिपेयर किया है, DPP, मॉड्यूल, क्वेश्चन, नोट्स, तो भी एग्जाम में फिर मार्क्स नहीं आते। मतलब वो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये सेम किया था, ऐसे टाइप का सेम, बस नंबर्स बदल दिए, पर अब टेस्ट में जब सॉल्व करने का टाइम आया ना, तब आंसर नहीं आ रहा, तो तब क्या होगा? हमें जैसे बोल, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत ख़राब आ जाती है, मूल कंसेप्ट में तो आती होगी। हाँ, तो हमें तो यही बोला गया था कि मतलब तुम्हें पता है, कोई क्वेश्चन किया तुमने प्रैक्टिस करते टाइम, तुम्हें पता है कि ऐसे ऐसे करना है। बच्चे क्या करते हैं कि मुझे पता है ये क्वेश्चन में ये करना है, ठीक है हो जाएगा, दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर जब हमें बोला, हम जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर लोग बोलते थे कि पहले तुम्हें पता है कि कोई क्वेश्चन कैसे करना है, उसे एंड तक कर सॉल्व करो, आंसर लाओ। उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, और फिर ऐसी सिली मिस्टेक्स अवॉइड होगी जिसमें तुम्हें बोल रहे हो जैसे आंसर नहीं आता, वो पहले प्रैक्टिस में लाना पड़ता है फिर टेस्ट में आता है। और ये जो अभी तुमने कहा कि DPP सब लगाई, वो एक एक बार कह रही है या दो दो बार? तो ठीक है, स्ट्रेटेजी तो सही है बिल्कुल। तो इसको ऐसे मत देखना कि कॉन्फिडेंस लूज रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, इसको यही स्टार्ट रखना लॉन्ग टर्म तक, ये काम तो आएगा। हो सकता है कि अभी थोड़ा इतना रिटेंशन पावर ना हो, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे ग्रोथ हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटेजी सही है, बस इसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो रखना, एक महीने बाद बंद मत कर देना। करने में नहीं, वो मेथड याद नहीं आती किया था कैसे, तो न्यूमेरिकल की तो बात ही नहीं है, मेथड ही तो होती है। नोट्स को बेटर वे से रिवाइज, हां उसको बेटर वे से, एट द एंड नोट्स इज सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं आ रहा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स वाइज करो, DPVP एकदम एंड, बाद में छोड़ो। एक बार नोट्स तो समझो, क्या तुम्हें आता ही नहीं हो, तुम सवाल लगा रहे हो, सो बेटर फोकस ऑन नोट्स, कि नोट्स में भी तो वही सवाल होता है ना, उसके थोड़े बेटर वर्जन DPP में मिल जाते हैं। बट बेसिक को हमेशा बेसिक को पकड़ के रखो, टू द रूट्स, ऑलवेज टू द रूट्स फोकस होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस? ऐसी कोई यूनिक स्ट्रैटेजी है जो आप में से किसी ने भी अप्लाई करी, जो बाकी बच्चे नहीं करते, तो आपको बहुत बेनिफिशियल रही? यूनिक स्ट्रैटेजी ऑनेस्टली हमारी भी हो तो हम शेयर करने को, कोई सेंस नहीं है,
क्योंकि तुम्हारा तरीका तुम्हारा है पढ़ने का। हम बोल देंगे ये बोल देंगे, हजार लोग हजार बोलेंगे, तुम ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉलो करे। फाइंड योर, ऑनेस्टली स्पीकिंग 11th इज द ईयर टू फाइंड कि कौन सा तरीका मेरे लिए बेटर है टू स्टडी। दोस्तों से बात करो कि यार तू कैसे पढ़ रही है, तू कैसे पढ़ रहा है, वैसे फिगर इट आउट। और एग्जाम भी 50-60 साल से चल रही है, हर साल 10-15 लाख बच्चे देते हैं, तो यूनिक तो क्या ही बचा, सब कुछ ना कुछ फिक्स ही होता है। 3-4-5-6 तरीके होते हैं, सबको अपना ढूंढना होता है कि मुझे ये फाता है। किसी को होता है कि मैं सुबह उठ के बढ़िया पढ़ लेता हूँ, किसी को होता है मैं थोड़ा रात को जाग के हो जाता है। तो हो सकता है कोई बोले कि सुबह पढ़ लो लेकिन मुझे रात को जम रहा है, तो वो बेटर रहेगा फिर जो खुद को पता चल रहा है कि इससे मैं पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी खुद ढूंढ के उसको फॉलो करो। भैया थ्योरी कहाँ से पढ़नी चाहिए, नोट्स से या एनसीईआरटी से? थ्योरी जैसे अगर फिजिक्स के सामने बढ़ूँ तो मोहित सर तुम्हें सजेस्ट करेंगे, तो मतलब टॉक टू योर टीचर्स कि कहाँ से पढ़ना चाहिए थ्योरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एडवाइस काम नहीं करेगा इसमें, सिंपल। इसको कुछ ऐड करना यार, देखो तुम लोग जितना भी एडवाइस ले लो लेकिन एट लास्ट तुम्हें टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स तुम हम लोग से पूछ रहे हो एक बार टीचर से भी जाके पूछो यार, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप लोग टीचर से डरते हो यार, पीछे बैठते हो, सवाल में पढ़ा रहे, सुन लिया बस, वो कर लिया, सर चले गए। टीचर के साथ कांटेक्ट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकेडमिक डाउट्स एलवेज नॉन एकेडमिक डाउट्स वो भी पूछा करो ना कि सर थ्योरी कहाँ से पढ़नी है। सर डांट के बोलेंगे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, तू किधर जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना अच्छे से। और कॉन्टैक्ट योर टीचर्स फॉर ऑल योर डाउट्स, राइट, दैट विल रियली हेल्प। अरे सवाल पूछने में टीचर्स को कुछ भी बेशरम हो जाओ, शर्म मत रखो। जैसे अभी सर हमें बोलते भी थे कि अभी तुम लोग बस पढ़ाई कर रहे हो, किसी को कोई इज्जत नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि सर कुछ सोचेंगे कि यार इसको तो ये भी नहीं आता करके। कोई किसी की कोई इज्जत नहीं है, जाके सिर सीधा जो भी पूछना है पूछ लो। शर्म जितना रखोगे ना उतना नीचे ही जाओगे। शर्म नहीं रखोगे दो चार बार लोग हंस लेंगे, वो भूल जाओ, ठीक है। किसी को याद भी नहीं रहने वाला 4 दिन बाद कि किसी पे हंसे थे कुछ भी। तो जो भी डाउट है पूछ लिया करो, कोई बात नहीं। कोई भी जैसे हमने टेस्ट दिया अभी तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा महत्व, मतलब हम ध्यान दें एक्यूरेसी पे या स्कोर पे? बैलेंस बोथ ऑफ देम, राइट। देखो मेरा क्या था ना, मैंने एडवांस में ना स्कोर एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, मेरा अटेम्प्ट बहुत कम रह गया, मैं एक्यूरेसी बहुत हाई चला गया 99+, लेकिन स्कोर बहुत कम रह गया, ठीक है ना। दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट एडवांस के लास्ट के 10-20 मिनट में क्या हम करते हैं ना, अब सारे हो चुके हैं, अब हमसे और नहीं बनना है, अब हमें क्या माइंडफुल तुक्के लगाने हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे मान, माइंडफुल, ठीक है ना, क्वेश्चंस पिक करने हैं। इंटीजर टाइप जिसमें जीरो है उसमें माइंडफुल तुक्के लगा सकते हैं हम। हमें लग रहा है कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें 2 ऑप्शंस एलिमिनेटेड हैं डायरेक्टली, अब इनमें हम खेल रहे हैं। तो एक्यूरेसी और स्कोर दोनों को मैनेज करके बैलेंस करके चलना होता है, किसी एक को ऊपर ले जाओगे तो दिक्कत हो जाता है। मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मतलब लगभग सेम लेवल है, मैंने एक्यूरेसी पे खेला, उसने दोनों को बैलेंस करके चला, उसका मार्क्स बेटर है, उसका मैक्स रैंक बेटर है, 1600 का राउंड रैंक है, मेरा रैंक 2800, रैंक का डिफरेंस देख रहे हो। बैलेंस बोथ ऑफ देम, कॉन्फिडेंस दिखाओ यार, यहाँ पे सवाल सॉल्व करने बुला रहे को उठ ही नहीं रहा। मैं बोला ना 4 बार कोई हंस लेंगे, नहीं बना तो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आओ तो सही, तुम अपनी कॉन्फिडेंस तो दिखाओ कि चलो मैं ट्राई तो करता हूँ, नहीं बना तो नहीं बना। बाकी कोई तो खड़ा भी नहीं हुआ था, मैं खड़ा होके तो आया, कुछ नहीं होता। आजा आजा ग्राउंड से एक बॉल फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर से एक बॉल थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर के हाइट से। बताना है कि किस पोजीशन पे कोलाइड करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड एंड किस टाइम पर कोलाइड करेंगे। T=0 पे दोनों बॉल्स को थ्रो कर दिया गया है, नहीं ऊपर वाले को 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। ये हाइट प्लस ये हाइट 100 मीटर की है, इसकी स्पीड 5 है, और ग्रेविटी नीचे है तो ये प्लस 10 हो जाएगी। इसकी स्पीड 10 है, और ग्रेविटी नीचे तो माइनस 10 हो जाएगी।
हाँ सही सही है यार, क्लैप कर दो यार इस बंदे के लिए एक बार।